हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनास कॉर्नर। और मैं हूं मोना। गाइस, तो आज मैं फिर आप लोग के लिए लेकर आई हूं क्रिसमस DIY। जी हां, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं दो DIY जो कि बहुत ही इजी हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो जल्द इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत जल्दी 2 मिनट में क्राफ्ट बताने वाली हूँ मैं आपको, वेस्ट मटेरियल से बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड में अगर आपको अच्छा लगे। सबसे पहले इस तरह का कार्डबोर्ड नहीं, गत्ता टाइप का है ये, जैसे जो कपड़े वगैरह आते हैं उनका एक मैंने कट करके निकाल लिया है, जिन कपड़े के जो बॉक्स होते हैं इस तरह से मैंने बना लिया है कोन और इसको कर दिया सिक्योर विद अ सेलो टेप। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से मैंने सेलो टेप से सिक्योर कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से एक जगह पे प्लेस हो सके। तो इसका बॉटम को हम लोग कर लेंगे क्लीन इस तरीके से, देख सकते हैं सीजर्स की हेल्प से, और ये बन गया हमारे पास एक शार्प कोन। राइट, ये देख सकते हैं गाइस, एक लेस रखी है मेरे पास 4-5 साल हो गए हैं, यू वॉन्ट बिलीव, ये 4-5 साल से मेरे पास रखी है। तो मैं इसको आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूज़ करके। देख सकते हैं मैं इसको पूरा ही टर्न करके स्टिक कर दूंगी इस पूरे कोन पर फेविकोल की हेल्प से। तो इस तरीके से जल्दी से फेविकोल लगा लेंगे अपने कोन के बॉटम से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये लटकन वाली लेस है। तो देख सकते हैं इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए लगा लेंगे पूरे कोन पर, और देख सकते हैं बार बार हमें ग्लू लगाना पड़ेगा इस तरीके से। आप लोग के पास कोई भी लेस और हो अच्छी डार्क ग्रीन कलर की तो वो और ब्यूटीफुल लगेगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो देख सकते हैं इस तरीके से क्रिसमस ट्री हमारा लगभग तैयार हो गया है, पूरे पे मैंने लगा ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ स्टार्स, छोटे छोटे स्टार्स वगैरह मेरे पास ये सब चीज़ें रखी रहती हैं, और फेविकोल लगा कर बस हमने यहाँ पर स्टार स्टिक कर लिए हैं। कहीं पर भी कलरफुल देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहा है ये। आप लोग चाहें तो इस पे और भी कुछ लगा सकते हैं, लाइक थर्माकोल बॉल्स लगा सकते हैं, कुछ भी आपके पास हो, स्टार या बॉल हो, आप कुछ भी इस पे स्टिक कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं लगाऊंगी अब इसके हेड पे स्टार, क्योंकि क्रिसमस ट्री के ऊपर हेड पे स्टार तो होना ही चाहिए। गाइस, मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं DIYs, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आई बटन में भी डाल दूंगी। मैंने DIYs भी काफ़ी और बनाए हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 स्टार स्टिक कर दिए हैं। ये स्टिकर वाले स्टार आते हैं, ग्लिटरी स्टार, आसानी से स्टेशनरी शॉप पे मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सेट करके दिखाया है। यहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जो आपको दूसरा क्रिसमस ट्री दिख रहा है गाइस, ये मैंने पिछले साल बनाया था, ये भी DIY है और बहुत ही आसानी से बनाया था। आज मैं आपको शेयर नहीं कर रही हूँ ये वाला, लेकिन ये भी DIY है गाइस, बहुत ही ईजी, मैंने पॉप स्टिक एंड ऊन से बनाया था ये। तो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं अपने क्रिसमस ट्री को DIY को। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ स्नोमैन। तो देखिए, सबसे पहले आपको 2 बॉल ले लिए हैं, मैंने 2 बॉल रखी थी बाबू की, काफ़ी बॉल रखी रहती है घर में जिसके यहाँ बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से पूरी आप कोई 2 बॉल, एक बॉल छोटी, एक छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी ले लीजिएगा स्नोमैन के हिसाब से। तो इसके ऊपर पूरी कॉटन मैंने स्टिक कर दी फेविकोल की हेल्प से, देख सकते हैं आप लोग, और मैंने दूसरी बॉल पर भी इसी तरीके से स्टिक कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने पूरा फेविकोल कर लिया है और यहाँ पर भी मैं इसको कवर कर लूँगी फेविकॉल से। गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दोनों वॉल को मैंने कवर कर लिया है कॉटन की हेल्प से, और यहाँ पर मैं इसके देख सकते हैं यहाँ पर 3 बटन मैं लगा रही हूँ पेट पर। इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से मैंने बटन लगा लिए। यहाँ पर मैं आइस भी यूज़ कर रही हूँ बटन की हेल्प से, यहाँ पर मैंने बटन से आइस भी बना लिए। अब हम लोग इसकी नोज़ बनाएंगे। गाइज, मेरे पास रेड पेपर था, ऑरेंज पेपर नहीं था, तो मैं यहाँ रेड पेपर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने उसी तरह से कोन बना लिया है जैसे पहले मैंने कोन बनाया था क्रिसमस ट्री के लिए गाइस। तो इस तरीके से कट करके इसको भी सेट कर लेंगे और इसको हम लोग ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे कॉटन में थोड़ा सा स्टिक करना मुश्किल होता है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा आप लोग। और यहाँ पर हम लोग इसके हेड को भी फिक्स करने वाले हैं, थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा इसको इस तरीके से। अब हम लोग इसकी कैप बनाएंगे गाइस। कैप के लिए भी मैं रेड पेपर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग रेड सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं या कोई रेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको बहुत ईजी बता रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं सेंटा वाली कैप लगाऊँगी स्नोमैन के, क्योंकि क्रिसमस सीज़न है तो सेंटा कैप का तो अपना अलग ही क्रेज़ होता है एज़ यू ऑल नो। तो यहाँ पर मैंने कॉटन की एक छोटी सी बॉल बना ली है और अब मैं इसके हेड पर और इसके नोक पे, सॉरी, बिल्कुल यहाँ पे इसको स्टिक कर दी फेविकॉल से। देख सकते हैं कितनी प्यारी ब्यूटीफुल कैप बन गई सेंटा कैप, और मैं अपने स्नोमैन के ऊपर इसको स्टिक कर दूँगी फेविकॉल की हेल्प से। राइट,
अब आता है इसके मफलर का टाइम। तो मफलर के लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर का सैटन रिबिन, और इसको इस तरह से नॉट बना लेंगे। लाइट थोड़ा सा हल्के से करिएगा, ध्यान से देख सकते हैं इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा है आपका स्नू मैन, और कितना ईजी था बनाना, इसमें कुछ भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं इसके बेस तैयार कर रही हूँ, आप लोग ऐसे भी सजा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको बेस ताकि फिक्स हो जाए, ये गिरे ना इधर उधर, क्योंकि बॉल पे बनाया है गाइस। तो यहाँ पर मैं थर्माकोल के स्क्वायर पीस काट लिया था ऐसे ही, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस बना लिया है ताकि मैं इस पर अपना स्नोमैन को स्टिक कर सकूँ। और यहाँ पे अंदर मैंने लगा लिया है फेविकॉल, और बस इसके अंदर फिक्स कर दिया स्नोमैन। अब ये कहीं भी गिरेगा नहीं। तो देखा आपने कितना ईजी और कितना आसान था। और यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक कलर, एक्रेलिक कलर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लैशेज ऐसे बना दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका माउथ बना रही हूँ ब्लैक कलर से, थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से हल्का सा बना लिया है माउथ। अब मैं इसको डिस्प्ले आपको बताती हूँ कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे एक ट्रे ले ली है मैंने इस टाइप की, इस पर मैंने पूरे पे कॉटन लगा दी है। पूरे कॉटन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया स्नोमैन एंड अपना क्रिसमस ट्री। आप लोग और भी तरीके से अपना डिस्प्ले कर सकते हैं एज़ यू वॉन्ट। यहाँ पे दो रेनडियर मैंने रख दिए हैं, एक गिफ्ट रख दिया है। आप इस तरह से अपना शोपीस किसी कॉर्नर पे या अपने सेंटर टेबल पे, बीच में आप लोग क्रिसमस पे लगा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से मैंने लाइटिंग भी लगा के दिखा दिया आप लोगों को। तो गाइस कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियोज़ देखने हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप लाइट लगा के टेबल पर इसको सजा सकते हैं। तो गाइज इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री है, उसे क्लिक कर दीजिएगा एक टाइम। और अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, हो सकता है मैं आपके साथ और भी शेयर करूँ DIY। तो देख सकते हैं इस तरह से बिना लाइट के भी आप लोग इसको सजा सकते हैं, और भी कुछ आप ऑर्नामेंट्स इनके संग लगा सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मैरी क्रिसमस।